लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा टीम फोर लैंटर्न अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए एक अनजाने ग्रह के ऊपर जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उसे बहुत सारे एलियंस दिखते हैं। उनसे उसे पता चल जाता है शिनचैन जो अपॉर्चुनिटी स्टॉक को अर्थ के ऊपर रखा गया है। इसके लिए वो वहाँ से सीधा अर्थ के ऊपर पहुँच जाता है। जैसे ही वो अर्थ के ऊपर पहुँच जाता है वो टोनी स्टॉक के फ्लैश के जूते चुरा के पूरे अर्थ के ऊपर शिनचैन टोनी स्टॉक और चॉप को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी एक जगह के ऊपर उसको कुछ चीज दिख जाती है और वो होता है चॉप। और टीम फोर लैंटर्न के सामने पेनीवाइज के सारे लोग उन लोगों को खत्म कर देते हैं। इसकी वजह से टीम फोर लैंटर्न बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अब वो तबाही मचा रहा है। अब आगे तुम लोगों ने जिससे पंगा लिया है उसका नाम टीम फोर लैंटर्न है। पूरी कायनात अब यहाँ पे हिलने वाली है। मेरे दोस्तों को तुमने मेरे आंखों के सामने मारा पेनीवाइज, अब बहुत हो गया तेरा। ये तेरी आर्मी और तू डॉक्टर स्ट्रेंज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सेवन मैजिकल एम्बलम बस मैं हासिल करूंगा। अब तुम सबका काल आ गया है। आ जाओ। किसी को नहीं छोड़ने वाला मैं। ये लो, तुम लोगों ने मेरे सामने मेरे दोस्त को मारा, सबसे प्यारे दोस्त को जिसको मैंने बचपन से प्यार से पाला पोसा जो नाम दिया उसको। उन लोगों को तुम लोगों ने एक एक करके मारा। तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम सबका अंत यहाँ पे टीम फोर लैंटर्न रचेगा। मैं लैंटर्न में से सबसे सर्वशक्तिमान लैंटर्न हूँ। आज हो ही जाए तेरे ये चमचे ताकतवरे। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से, मैं सबका करूंगा। मेरी पूरी आर्मी मेरे साथ है। तुम लोगों ने हमारे आर्मी के सामने मेरे आर्मी को खत्म कर दिया। ये हो नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड में अब तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये लो पेनीवाइज, मेरे सामने आ जाओ। तुम अपने घमंडी बॉस यानी पेनीवाइज को बुलाओ। कहाँ पे है वो जिंदा नहीं बचेगा। ये लो, तुम लोगों को पता नहीं ये तुम लोगों ने किया क्या है। चॉप शिनचैन स्टोनी स्टार्क हम सबको तबाह कर दिया तुम लोगों ने एक मैजिकल एम्बलम के खातिर। अब कोई नहीं बचेगा। मुझे दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लो इनकी तादाद तो बढ़ रही है। मुझे लगता है पहला मैजिकल एम्बलम इन्हें पावर दे रहा है, क्योंकि पहला मैजिकल एम्बलम पेनीवाइज के पास है। उसने इन लोगों को पावर सौंप दी होगी। लेकिन गाइस, हम लोग बाकी के एम्बलम इनके हाथ में नहीं दे सकते। जैसे शिनचैन चॉप स्टोनी स्टार्क को इन लोगों ने मार दिया, वैसे ही पूरी दुनिया को ये तबाह कर देंगे। इससे पहले ये लोग हमारी दुनिया को तबाह कर दे, हम लोग इनको तबाह करेंगे। ये लो, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। ये लो, मैं हूँ टीम फोर लैंटर्न। अब बहुत हो गया इन लोगों का। मुझे अपने दोस्तों को यहाँ से कुछ भी करके लेके जाना पड़ेगा। वो लोग वहाँ पे मर चुके। मैं इन लोगों को जिंदा करने का एक प्रयास कर सकता हूँ। थंडर टोर्नेडो, ये टीम फोर लैंटर की सर्वशक्तिमान पावर है। इससे बचना इम्पॉसिबल है, यानी इम्पॉसिबल है। सारे के सारे पेनीवाइज के चमचो, आ जाओ। तुम लोगों का यहाँ पे अंत होगा। मैं हूँ टीम फोर लैंटर, अपने दोस्तों के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। फाइनली सबका अंत हो गया। गाइस, ये रहे मेरे दोस्त शिनचैन चॉप टोनी स्टार्क। उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अब मैं क्या करूं, इन लोगों को मुझे जिंदा करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे सेकंड मैजिकल एम्बलम ढूंढना पड़ेगा। पेनीवाइज, ये गड़बड़ कर दी तूने, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं इन लोगों को बचाने के लिए पहुंचने वाला था, लेकिन नहीं, मैं लेट हो गया। सब कुछ मेरी गलती है। अगर मैं पहला मैजिकल एम्बलम ओपन ही नहीं करता तो ये होता ही नहीं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इसको भी ठीक मैं ही करूंगा। मैं आप सेवन मैजिकल एम्बलम में सारे एम्बलम को हासिल करूंगा और पूरी दुनिया को फिर से क्रिएट करूंगा और तुम लोगों को मैं जिंदा करूंगा। टीम फोर लैंटर्न, चॉप, तुम जिंदा है। तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बचाऊंगा। याद रखो, मैंने पेनीवाइज से सुना था वो पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है। अब प्लीज इसको रोको। हाँ चॉप, बात मत करना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं रखा। ये जिंदा है। ओके, ये क्या, यहाँ पे कार है। इन लोगों को मैं जल्दी से जल्दी एक ऐसी जगह के ऊपर लेके जाता हूँ जहाँ पे मैं इनका ट्रीटमेंट कर पाऊँ। चॉप, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। ये कार सही रहेगी, जल्दी जल्दी इधर बैठता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चॉप, मैं आ रहा हूँ। मुझे मत बचाओ, जाके दुनिया को बचाओ। मैं दोनों को बचाऊंगा। जल्दी जल्दी इन लोगों को मैं अंदर की साइड डाल देता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। मुझे पता है एक मैजिकल एम्बलम हमारे अर्थ के ऊपर ही है, क्योंकि टोटल दो मैजिकल एम्बलम अर्थ के ऊपर रचे गए थे जब ग्रीन लैंटर्न ने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया था। तभी अर्थ के ऊपर टोटल दो मैजिकल एम्बलम रखे गए थे।
इसकी वजह से तुम लोगों को जिंदा करने का चांस है मेरे पास। जल्दी जल्दी इनका डोर ओपन कर देता हूँ। मैंने इन लोगों को रख दिया गाइस, अब जल्दी जल्दी इन लोगों को लेके चलता हूँ। लेकिन कहाँ पे लेके जाऊँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे पास समय नहीं है। चुचो अब तो ठीक है ना, मुझे छोड़ दो, हम लोगों को मत बचाओ, पूरी अर्थ को बचाओ। मैं दोनों को बचाऊंगा। क्या करूँ क्या करूँ, तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया था वो बताओ। अरे मैं क्या ही पूछ रहा हूँ, मेरी वजह से तुम लोगों को मार रहा होगा। अरे नहीं, मेरी वॉइस नहीं था। क्या मेरी वॉइस नहीं था? डॉक्टर स्ट्रेंज होगा। नहीं वो भी नहीं। तो और कौन था? वो एलियंस। नहीं वो भी नहीं था। क्या कहा? वो भी नहीं था। इसका मतलब इस खेल के अंदर एक और बंदा है। ओ, वो बहुत ही शक्तिशाली था, वो कंट्रोल कर रहा था उनको। अब समझ में आया, ना पेनी वाइज, ना डॉक्टर स्ट्रेंज, ना वो एलियंस, कोई भी दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो वो है जिन्होंने चॉप शिनचैन टोनी स्टार्क को मारा। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब वो गया मेरे हाथों से। पहले तो मुझे इन लोगों को कहीं सेफ जगह के ऊपर रखना पड़ेगा। मुझे पता है वो सेफ जगह कहाँ पे हो सकती है। लोसेटाउस के अंदर एक ऐसी जगह है जो कि बहुत सालों से बंद है, लगभग 10 साल हो गए। वहाँ पे पाइपलाइन का काम चल रहा था, मुझे पता है, मुझे सब कुछ याद है। मैं तुम लोगों को वहाँ पे रुकूंगा। अरे यार हमें छोड़ दो प्लीज। नहीं चॉप नहीं, मैं अपनी टीफो लैंटर्न की सारी पावर से इकट्ठा करके देखता हूँ यहाँ पे मैजिकल एम्बलम कहाँ पे। सारी पावर्स को एक कर दिया। याद आ गया, वही पे है। हम लोग गाइस चॉपर शिनचैन को जिस गुफा के अंदर रख रहे थे उसी गुफा के अंदर वो मैजिकल एम्बलम है। लेकिन थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, जल्दी जल्दी वहाँ पे चलते हैं। मेरे पास एक शॉर्टकट है। अरे मैंने कहा हम लोगों को जाने दो, हम नहीं बचेंगे। चॉप तो टेंशन मत ले मेरे भाई, मैं तुझे बचा के रहूंगा। अब कुछ भी हो जाए यहाँ पे मेरे दोस्त को मैं फिर से जिंदा करूंगा। और चॉप तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, यहाँ से एक शॉर्टकट मुझे पता है। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लेता हूँ। उससे पहले पेनीवाइज उस जगह के ऊपर पूछे, उसी जगह के ऊपर गाइस हमारा सेकंड मैजिकल एम्बलम है। फाइनली हमें सेकंड मैजिकल एम्बलम मिल चुका है। अब बस हमें वहाँ पे जाना है, वो भी पेनीवाइज से पहले। अरे मैं बताना भूल गया था, पेनीवाइज ने हमारे शरीर के अंदर एक चिप डाली है, वो आपकी बातें सुन सकता है। नहीं चॉप, ये गड़बड़ कर दी तूने, पहले बता देता। गाइस अब गड़बड़ हो गई, पेनीवाइज को भी पता चल चुका है सेकंड मैजिकल एम्बलम कहाँ पे। वो मैजिकल एम्बलम मेरा है। मैंने कहा मेरा है, तुम तो दुश्मन बन गए। अब मैं क्या करूं? अगर पेनीवाइज ने वो मैजिकल एम्बलम ले लिया तो मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाऊंगा। गाइस हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सबसे खतरनाक शॉर्टकट तो यही पाइपलाइन है। यस, हम बहुत नियर है। फ्रैंकल अंकल छोड़ दो हमें, ये पाइपलाइन बहुत दूर है, हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। चॉप तुम टेंशन मत ले, हम जरूर पहुँचेंगे। यहाँ से शॉर्टकट मार के हम सीधा उसी जगह के ऊपर पहुँच जाएंगे जहाँ पे सेकंड मैजिकल एम्बलम है। कोई बात नहीं, अब जाओ दुनिया को बचाओ। नहीं चॉप, मैं तुम्हें बचाऊंगा। गाइस यही है वो जगह, जल्दी जल्दी यहाँ से एक बार लेफ्ट मारता हूँ और हम पहुँच ही जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके, यही है वो जगह जहाँ पे मैजिकल एम्बलम दिखाया जा रहा है। अरे जल्दी करो, पेनीवाइज वहाँ पे पहुँच गया तो हम लोग हमारे दोस्तों को नहीं बचा पाएंगे। भले मेरी जान चली जाए लेकिन हमारे दोस्तों को बचा लेना। कोई बात नहीं चॉप, इस बार तो पेनीवाइज अगर मेरे सामने आ जाए तो पेनीवाइज को मैं जिंदा गाड़ दूंगा। यहाँ पे ये बच नहीं पाएगा। यहाँ पे कहाँ पे चॉप तुझे महसूस हो रहा है? नहीं यहाँ पे नहीं, आगे चलो। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मैं भी ट्राई करता हूँ महसूस करने की। गाइस हम लोगों को सेकंड मैजिकल एम्बलम ढूंढना ही पड़ेगा, यही पे कहीं पे है। अरे मुझे गन महसूस हुई, ये पेनीवाइज की है। क्या कहा पेनीवाइज? ये नहीं हो सकता, यहाँ पे पेनीवाइज आ गई तो गड़बड़ हो गई। हेलो अंकल, मेरी बात सुनो, मुझे काम है। अरे बेटा हाँ से भागो, क्या काम है? मैं बोल रहा था यहाँ पे कोई आया है क्या जो की व्हाइट कलर का है? नहीं यहाँ पे तो तू ही पहला आया है। ये मेरा बॉस, जल्दी बैठो। यस गाइस यहाँ पे पेनीवाइज अभी तक आया नहीं है। अब जल्दी जल्दी अंदर चलते और वहाँ पे देखेंगे सेवन मैजिकल एम्बलम कहाँ पे, और उसे ढूंढने के बाद मैं अपने दोस्तों को बचा सकूंगा। ये गुफा तो बहुत ही बड़ी है। और बहुत बड़ी क्या, लंबी भी है, हम कहाँ पे ढूंढेंगे? ये तो ट्रेन की जगह है, अब हम क्या करें, कहाँ पे जाए? अरे वो देखो वहाँ पे रेड लाइट लगी है, जल्दी चलो। ओके गाइस फाइनली हम ऊपर चलते हैं, यही पे कहीं पे होगा, थोड़ा ध्यान से देखना चॉप। अरे हो, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ पे कहाँ पे मेरा मैजिकल एम्बलम, कहाँ पे मेरे को दोस्त को बचाना है, वो मर चुके हैं। चॉप को भी बहुत सारी चोट आई है, पीछे तो बंद है, लेकिन अब जाओ कहाँ पे? यही वो जगह लगती है जहाँ पे पेनीवाइज अपने आदमी के साथ पहुँचता ही होगा। अंदर चलते हैं, जल्दी जल्दी यहाँ से लेफ्ट राइट। अरे वो देखो वहाँ पे गुफा है, अंदर ले लो। हाँ चॉप सही कहा, आई थिंक हम लोग बहुत ही
नहीं है रे, जल्दी जल्दी आगे चलते। लेकिन मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। चुप। अरे हो, यही पे होगा, मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन कहाँ पे? ये गुफा तो खत्म होने वाली है। नहीं, ये तो बढ़ गई। लगता है यही पे कहीं भी होगा। ध्यान से देखो, लगता है कंस्ट्रक्शन के बीचों बीच फंसा है। ओ शिट, ये क्या है? अरे मिल गया, जल्दी ले लो इसको। ओके, फाइनली मुझे मैजिक लैंप मिल चुका है। चलो अब गाइस इसको लेते हैं। फाइनली मुझे मिल चुका है। नहीं, ये क्या हो गया? नकल, वो चीज वो नहीं है। ये तो बस एक लाइट से, ये कार्डबोर्ड हो गई। ये तो एक जाल था। नहीं, चुप। फ्रैंकल अंकल, बचाओ। क्या पेनीवाइज, तुम यहाँ पे? सही कहा फ्रैंकलिन, मैं यहाँ पे। अब तो अपने दोस्त को कभी नहीं बचा सकेगा, क्योंकि दूसरा मैजिकल एम्बलम भी पेनीवाइज के पास है। आ जा यहाँ पे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू मुझे धोखा दे रहा है पेनीवाइज। कोई धोखा नहीं है, अब जो होगा वो पेनीवाइज करेगा। चलो चलते हैं। मुझे अपने दोस्तों को बचा रहा है पेनीवाइज, छोड़ दे। ऐसी बात है, छोड़ दिया तो बहुत दूर जा, यहाँ से अपने दोस्त को तू नहीं बचा पाएगा। नहीं, तूने ये बहुत गलत किया पेनीवाइज। अब तो दो मैजिकल एम्बलम मिल चुके हैं। अब मैं चाहे तो बाकी के मैजिकल एम्बलम को इस मैजिकल एम्बलम से ढूंढ सकता हूँ, वो भी अकेले। अब तू गया, ये ले। नहीं चुप, टूरिस्टाक। नहीं, मैं तुम लोगों को बचा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ पे फंसे हो। मैं ही तुम्हें बचाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने दोस्तों को कुछ भी करके बचाऊंगा पेनीवाइज। ये तो बस एक सपना है। तुम अपने दोस्तों को कभी नहीं बचा सकोगे, ये मेरा वादा है। ये लो। नहीं पेनीवाइज, छोड़ दो। तूने ये बहुत गलत किया। मैंने सही किया। अब ये दुनिया मैं खुद रचूंगा। ये ले। नहीं। ये ले। अब तू यहाँ पे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मैं हूँ पेनीवाइज। सरप्राइज सरप्राइज। क्या? मैंने बहुत मार खा लिया तेरा। अब तुझे बताऊंगा मेरे दोस्तों को हाथ लगाने का नतीजा क्या होता है पेनीवाइज। मैं आ रहा हूँ पेनीवाइज। तू अब गया। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। सही कहा, ये गड़बड़ हो गई। ये ले, ये ले, ये ले। अब तुझे छोड़ूंगा नहीं पेनीवाइज। ये ले। और ये क्या हो गया? ये कहाँ पे चल गया? पेनीवाइज मेरे सामने आ जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जिंदा। तूने मेरे दोस्तों को मारा, आ जा सामने। सरप्राइज सरप्राइज। क्या कहा? तुम यहाँ पे? नहीं, आ जा। ये ले। कुछ नहीं हुआ मुझे, अब तेरी बारी। नो, ये नहीं हो सकता। अब बहुत हो गया तुम्हारा। अब मारा, अब मैं करूँगा। ऐसी बातें, ये लो। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे पॉसिबल है? ये मर क्यों नहीं रहा? ये ले। अब बहुत हो गया टीम फॉर लंदन, बहुत मार खा लिया। ये ले। मैं भी किसी कम खिलाड़ी नहीं हूँ। ये ले, मैं हूँ पेनीवाइज। आई एम डांसिंग क्लाउन। ये ले। ये मेरे ऊपर हावी होता जा रहा है। अब मैं क्या करूँ गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये डी फोर लेटर का अंत है। ये डी फोर लेटर से पावरफुल कैसे? इतनी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर कैसे आ गए पेनीवाइज? ये है सेवन मैजिकल एम्बलम की पावर। ये ले। धुआं बना दिया पेनीवाइज ने डी फोर लेटर को। अब इस दुनिया में नहीं रहा। पेनीवाइज बहुत शक्तिशाली है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। दो मैजिकल एम्बलम मुझे मिल चुके हैं। अब बाकियों की बारी। पेनीवाइज की जय हो। अब अर्थ को मैं पेनिकल ग्रह बनाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है पेनीवाइज? नहीं, ये नहीं हो सकता। और तुम लोग कौन हो? ये मेरे साथी है पेनीवाइज। ये कहाँ से आ गए? अब इनको